पहले स्क्रिप्ट आती है फिर उसके बाद स्केल आता है. बिल्कुल. सो स्केल हाँ इट डज हेल्प स्केल गेटिंग द पीपल इनसाइड क्योंकि यूजुअली इस किस्म की फिल्म को लोग डीवीडी पे नहीं देखेंगे पायरेटेड कॉपी पे नहीं देखेंगे. दे वुड लाइक दिस काइंड ऑफ दिस करिश्मा ऑफ सलमान विद दीज एक्शंस टू बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन. Right. तो ये इम्पोर्टेंट है बट ये इम्पोर्टेंट है फ्राइडे एंड सैटरडे तक मुझे लगता है. उसके बाद तो फिल्म बोलती है क्या चाहती है वो बोलना. इज द स्टोरी टेलिंग करेक्ट एंड नॉट. इतना 10-12-15 दिन जो अभी चल रहा है बिजनेस इट कैन नॉट गो ऑन स्केल. स्केल एंड्स एट फ्राइडे. लॉट ऑफ सलमान फैंस आई हैव सीन देम लाइक अगर आप सर्च करेंगे ट्विटर पे तो आप भी मतलब आई एम श्योर दैट यू कैन रीड दैट एज वेल. द फीलिंग इज दैट जय हो में एक जो एक ब्रांडनेस जो सलमान के साथ में अब होने चाहिए. डी डी एल जे वॉज आई थिंक मोर ओर लेस एट द बिगनिंग ऑफ शाहरुख करियर एज वेल इन अ वे. द स्टेचर दैट सलमान हैज अचीव सो ही डिजर्व्स दैट लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव एंड प्रेजेंटेड इन अ मोर ग्रैंड मैनर. द वे पोलैंड में जिस तरीके से आपने शूट किया एंड एंड द हेलीकॉप्टर इज देयर एंड दिस एंड दैट यू नो इट हैज दैट ग्रैंडियर टू इट व्हिच पीपल वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद सलमान कंसिस्टेंटली. तो वो एक आपने स्टैंडर्ड आपने रेज किया दैट इज समथिंग व्हिच पीपल हैव अप्रिशिएटेड. अपनी अपनी तकदीर होती है हर एक फिल्म की एक अपनी तकदीर होती है. सब वक्त चलता है सब चलता है हर चीज मिलके कभी नहीं होता है कभी चलता है. ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है. सब छोटी सी छाई हुई भी अच्छी गई टू स्टेज भी अच्छी गई तो हीरो बंदी अच्छी गई. इट्स बीइंग सेड दैट यू आर अ 400 प्लस करोड़ प्रोड्यूसर ऑफ 2014 व्हिच आई थिंक हैज नेवर एवर हैपेंड. डू यू फील एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट व्हाट एग्जैक्टली डू यू एट्रिब्यूट दिस एंटायर थिंग टू. ये सारे बीज मैंने पिछले 25 साल से डाल रहा था तो मुझे लगता है उसका जो फल है जी पेड़ का वो इस साल उगा है. तो पेशेंस वक्त ठहराव जो इतने सालों का ठहराव था लगे हुए हैं 27 सालों में 1988 से कब से 87 से ज्वाइन हुआ है. चार पांच साल पहले असिस्टेंट थे तो जितने जितने खाद और बीज डाल रहे थे जब से कुछ साल नहीं आए कुछ साल आए इस साल पूरा पका हुआ एंड एवरीथिंग इज रीपिंग नाउ. राइट. एंड माय टीम माय ऑफिस पीपल दे वेरी हैप्पी. और सबसे अच्छा था दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट मी. क्या बाकी सबने मार दिया सेंचुरी. एक अब धोनी आ रहा था कैप्टन ऑफ द कंपनी. अब हाथ में बल्ला था अगर मैं नहीं करता तो बहुत मार पड़ती. सारे मेरे सीईओ इतने धो डालते कि आपकी जरूरत क्या थी सर आपको बनाने की. मुझे लग रहा था उनके चेहरे से दिख रहा था कि सर क्या जरूरत है अच्छे वाला आपका काम चल रहा था क्या ये कर दिया. अच्छा आके एक हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया धोनी का भाग गया. आपने बोला बस हो गया अब 5 साल तक मुझे कोई रिस्क लेने देगा नहीं. इनफैक्ट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें आपने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही दैट अब जब कोई डायरेक्टर मेरे उसमें कंपनी में काम कर रहे होंगे तो अगर इफ दे गिव मी दैट लुक तो आई कैन टेल देम यू नो आई पौनत पानी दैट वाज उनका. मुझे सबके टाइट क्लोज दिख रहे थे इम्तियाज अली कबीर खान साबिर के. अगर उन एक फ्लैश फॉरवर्ड आदमी सोचता है ना कि अगर ठीक नहीं किया तो क्या होगा. अगर मैंने उनको बोल दिया चेंज करो तो उनका एक लुक आ जाएगा. अच्छा लोकेशन अभी आप बताओगे हमको. तो इसके लिए मैंने क्या किया जितने भी मेरे इम्पोर्टेंट सीन्स होते थे मैं इम्तियाज सर से जाके डिस्कस करता था कि इसको कैसा करना अच्छा, चाहिए. अच्छा. जैसा फर्स्ट ट्रेलर मेरा जैसा लॉन्च हुआ था उसकी मिक्सिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी साउंड वाइज. तो आई रिक्वेस्टेड कबीर टू जस्ट चेक इट. तो ये सब लोगों ने मुझे घेर के लगाया ना 6 महीने का बच्चा होता ना घेर के. यार ये घिरे नहीं कंपनी का हेड है ये क्या कि उसको पंगा लेने की जरूरत थी. इसके लिए उस सब चीज़ों ने सब लोगों ने चाह सब सबके मुसल्ले और सबके दुआएं चालू हो गई होगी कि यार ये पंगा नहीं लो और अब सब दुआएं कर रहे हैं अभी 5 साल तक बनाना नहीं. बिल्कुल गलत नहीं. अगर रोल्स रॉयस कोई किसी को देना चाहिए तो उसको मुझे देना चाहिए. दूसरी बात अगर ही इज़ लाइक दिस अगर मैं ऐसा कभी सोचता भी तो यू वुड हैव सेड मेरे 500 लोगों की हार्ट पेशेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करा दे किसी को 100 लोगों को 200 लोगों की आई साइड का प्रॉब्लम ठीक करा दे. क्या बात है. ये सब रोल्स वाइज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. ये हम लोग तो खैर इससे ऊपर आ गए मजे लेते ये सब नंबर्स वंबर्स की इंजॉय करते बट ये 1-2-4 दिन की कहानी होती है वो भी अपने काम में लग गया करजत में शूटिंग में. हमने अपने काम में लग गया इम्तियाज और कबीर की फिल्म में तो सब लग गया हम लोग अपने काम के ठीक है. ऊपर वाले ने हमको इतनी इज्जत दी. लॉट ऑफ पीपल हैव रियली लाइक दैट पोर्शन इन द नियर द क्लाइमेक्स व्हेन द एंटायर इंटेंट ऑफ सलमान कम्स अक्रॉस एंड दैट हिज बीइंग ह्यूमन एस्पेक्ट दैट कम्स इन द पिक्चर. आई थिंक दैट हैज वर्क्ड वंडरफुली फॉर द फिल्म एज वेल. मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग टू द स्क्रिप्ट दिस वाज द पोर्शन व्हिच वाज फॉर मी.
जी. मैं हमेशा पूरी टीम को बोलता था कि बाकी चीज जहाँ एक्शन है वो एक्शन मास्टर कर लेता है, डांस तो डांस कोरियोग्राफर कर लेता है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे अपने छोटा मोटा हुनर दिखाने की जगह है. यहाँ अगर मैं अगर स्कोर नहीं कर सका तो पैकअप है मेरा. फिर तो वो जगह मैंने सबसे लास्ट किया. लास्ट शेड्यूल ऑफ द फिल्म वाज दैट ओनली दैट इज व्हाट अ मंथ एंड हाफ. उसके बाद यू नो बहुत डर लग रहा था मुझे शूट करने. जब शूटिंग वो प्लान करता था 7 दिन पहले वो रिजेक्ट कर लेता था. मैंने नहीं यार लास्ट बाद में करता. फिर वो प्लान करती थी प्रोडक्शन की ये सर ये सीन कर ले ठीक है. 3 दिन पहले फिर कोल्ड फीट आते थे कि यार ये फिर आगे करते हैं. और लड़की का बहुत बड़ा हाथ था यू नो क्योंकि शेवर ऑफ हेड एंड ऑल दैट. एंड वो सीन मुझे पता है जब वी शॉट दैट सीन और शी स्टार्टेड क्राइंग हो तो मैंने वो पोर्शन इतना रखा भी नहीं हो क्योंकि पीपल विल नॉट बिलीव. थोड़ा हैम नहीं लगे इसके लिए मैंने निकाल दिया उसका पोर्शन. बट व्हेन वी आर शूटिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू शी स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन दैट सीन विदाउट ग्लिसरीन एंड ऑल द पीपल वर वॉचिंग. मैंने तो अपना वो निकाल के हेडफोन निकाल के रख दिया बिकॉज इवन आई हैड स्टार्टेड गेटिंग टीयर्स. सलमान देखा तो सलमान हैड टीयर्स इन हिज आईज. सो फैंटास्टिक सीन था. ऐसा लगा मुझे पूरी यूनिट को कि ये सीन शुड वर्क विद द ऑडियंस क्योंकि बहुत लेट आता है, बहुत रिस्की पोजीशन है. इतनी लेट जाके पिक्चर रुकना ऑफ सलमान खान फिल्म वो भी ईद पे प्री क्लाइमेक्स से पहले इसी पिक्चर रुक जाना 10 मिनट 9 मिनट्स का पोर्शन हो और 9 मिनट फिल्म रुक जाना बहुत डेंजर है. इफ इट डजंट वर्क बहुत बड़ा मतलब यू कैन बूमरैंग. No, absolutely. Sajid bhai, we've taken some questions from your fans, if you can please briefly, because they've been asking for a long time. This is Bedur from Kuwait. I want to ask him if there is kick 2. Your wife would like to have kick 2 as well. She has tweeted about it yesterday. She did? She did yesterday. I don't know, but kick 2. Tell Bedur that not ready for kick 2 in or any other film. Let's see, organically, mujhe jaisa aaya hai, Salman agar kab zindagi mein push kar le 2-4 saal baad ke banana chahiye aur agar koi line aayi. But definitely ऐसा नहीं कि kick one है तो kick two आएगा. ऐसा नहीं है. There's no planned thing. But I think जो kick का idea है जो उसमें जिस तरीके I think it can be like a very ready-made franchise as well. हाँ, but ऐसा force करके I don't know. अपने आप आएगा. You know best. हाँ, I don't know. अपने आप ही आएगा. This is Saleha from Singapore. How was experience working with Salman? Any major difference directing him? You have produced around 5 films with him before. So was experience I don't think it was the same. खाली ये था कि earlier I used to come with him on the set. अगर वो 12-1-2 बजे आ रहा है तो उसके साथ आता था. director जब तक ready होता था. Like David sir हो या कोई और हो. राज कपूर. अभी क्या होता था कि अगर वो 12 बजे आ रहा है तो मैं 7 बजे से हूँ. बाकी काम कर रहा हूँ. Scene तो explain story narration तो पिछली 5 पिक्चरों का ही मैंने ही दिया. So वो difference रहा नहीं. दूसरा जगह action cut या मजा नहीं आ रहा है. जैसे मेरी एक आदत है इट्स नॉट वर्किंग. ये मेरी एक तकिया कलम था यार इट्स नॉट वर्किंग कोई गड़बड़ है. तो वहाँ से बहुत जोर जोर से चीख चीख के हंसता था. इट्स नॉट वर्किंग ग्रैंडसन इज इट नॉट वर्किंग. फिर चलता था रात को अगर हम डिनर पे भी गए तो वहाँ पे भी एक आता था कुछ खा लूँ मैं तो बोले इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग. सो वो एक था उसको लग रहा था. इट वॉज इंजॉइंग दिस जर्नी. किक मिल रही थी उसको मुझे डायरेक्टर देख के. Amit from BBSR India. Sir, are you directing Ritik and Jacqueline's next? जी नहीं बिल्कुल. But I think Ritik and Jacqueline have you signed for Kabir's next? No, there's working going on for Kabir's next. Narration हुआ है. It's in too early to talk about the film. Right. Definitely not me. A lot of people want you to direct Salman and Jacqueline together. In fact, once again, this is Soban from Belgaum. What is your basis for selecting scripts? What is the basis for selecting scripts? बहुत डिफिकल्ट होता है सिलेक्ट करना क्योंकि इफ आई एम अ प्रोड्यूसर तो एज अ डायरेक्टर 5-6 scripts लेके आते हैं डायरेक्टर. उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है ग्रीन लाइट ये फिल्म बनानी. व्हेन यू हैव दीस काइंड ऑफ टैलेंटेड डायरेक्टर्स लाइक इंडियास कबीर उसमें ग्रीन लाइट होना नहीं होता. तो वो तो क्या है हम ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट को नहीं करते. वो एज अ डायरेक्टर हमको ग्रीन लाइट करते हैं एज अ प्रोड्यूसर कि वी वॉन्ट टू वर्क विथ यू. Right. So like I'm a big fan of Imtiaz and Kabir. That cinema, very different cinema. Absolutely. How well they hold the cinema and how well they tell a story. उनके लिए फिर कोई reason नहीं होता. मैं अपने लिए green light एक film थी. ये तो actually by mistake आ गई मेरे पास. मतलब मैं तो बना रहा था as a producer बना रहा था but right. you know, correct. धक्का मार. I told you ना धक्का मारने वाला सरदार का वही है. जी आपने जो interview में आपने बताया. धक्का किसने मारा यार? सब बोल रहे वाह वाह क्या फिल्म बनाई 200 करोड़. मुझे क्या धक्का किसने मार दिया. मुझे लगता है वही करा सकता क्योंकि
उसने क्या पूछा भी नहीं, बोल दिया. मेरे को तो टाइम भी नहीं मिला, दो चार घंटा तो मैं स्टोन था कि पता नहीं क्या करूं. हाँ, क्या अच्छा था भी नहीं. मैंने इतने डायरेक्टर्स को ट्राई किया, उनके नाम भी नहीं ले सकता. कोई बिजी था, किसी को लगा कि अभी इतने जल्दी नहीं कर सकते. पूरा जितने टॉप डायरेक्टर्स थे सबके पास चला गया था. A lot was said about the, that there is some friction between you and Farah and after the entire thing because Shirish was supposed to direct earlier. So what is the current thing on that? Because you were the one who just got Farah's patch up done with Shah Rukh and Rakhi's sister bhi aapki wo in fact hain. So what do you think? ये I mean बड़ा sensitive चीज होता है और ये मतलब पता नहीं चलता है कि इतने शो में पूरी बात आ सकती है. बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट है वन फॉर मैंने बहुत बार किया हूँ बट कम्प्लीट एक्रॉस आता नहीं बात. बट लेट मी क्लियर आराम से कि फर्स्ट ऑफ ऑल शिरीश लेफ्ट द फिल्म. ही डिडंट वांट टू डू द फिल्म. बहुत म्यूचुअली बहुत प्यार से डिसाइड हुआ था. मीडिया में कुछ भी आ जाए बट ही सेड कि इज नॉट कम्फर्टेबल एंड ही टोल्ड मी यू शुड डायरेक्ट एंड और एनीबडी योर विजन इज देयर एंड इफ यू वॉन्ट आई विल एडिट द फिल्म ऑल्सो फॉर यू.